नमस्कार, मैं हूं सुनील लालाखंडी और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज के इस एडिशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन भारत का अगला राष्ट्रपति होगा। वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को समाप्त हो रहा है और इसमें लगभग 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में भारत को एक नया राष्ट्रपति चुनना है। अभी तक एनडीए की तरफ से कोई नाम उभर कर सामने नहीं आया है, उन्होंने कोई इस बारे में डिसीजन नहीं लिया है। यूपीए में सोनिया गांधी ने विभिन्न राजनीतिक दलों से जो उनके समर्थन में उनसे बातचीत की है, और लेकिन वो भी अभी किसी नाम को तय कर पाई है ऐसा नहीं है, या किसी नाम पे विचार हो रहा है एक्टिवली ऐसा नहीं जान पड़ता है। एनडीए की तरफ से अभी जो स्थिति, वास्तव में वोट की स्थिति देखी जाए तो इस तरह है कि एनडीए के पास करीब करीब 48% वोट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव, जैसा आप जानते हैं कि विधानसभा के सदस्य और संसद के सदस्य, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य मिलकर करते हैं। इसमें 48% जो वोट है अभी तक अनुमानत है वो एनडीए के पास है, और 35% यूपी के पास है। सोनिया गांधी जी कोशिश कर रही हैं और गैदर करने की और एक अच्छा फाइट देने की इस इलेक्शन के लिए। अब बाकी जो 13% वोट हैं वो है अन्ना डीएमके, बीजू जनता दल, टीआरएस तेलंगाना में, वाईएसआर रेड्डी की कांग्रेस आंध्र प्रदेश में, आप दिल्ली में और पंजाब के कुछ हिस्सों में, और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में। ये स्थितियां, ये जो पार्टियां हैं ये दोनों ही दलों से अलाइन नहीं है, ना यूपीए के साथ है और ना ही एनडीए के साथ में है। इनमें हो सकता है कि टीआरएस की, सबसे पहले बात करें एआईएडीएमके में अभी फिलहाल राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। पहले पार्टी टूटी थी ओ पनीरसेल्वम और दूसरी शशिकला के ग्रुप में, शशिकला को बाद में वहां से हटा दिया गया और उनकी जगह पनीरसेल्वम जो वास्तव में वर्तमान मुख्यमंत्री है वो उस धड़े को लीड कर रहे हैं। इनमें पुनः एक होने की बातचीत चली थी जो कि कल एक समाचार के अनुसार अभी फिलहाल उसकी संभावनाओं को बंद कर दिया गया, और ओ पनीरसेल्वम कल शायद प्रधानमंत्री से भी मिले थे और वो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। उनके पास कुछ लोकसभा के सदस्य हैं और कुछ विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो धड़ा जो एआईएडीएमके का है वो राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगा। दूसरा जो पनीरसेल्वम का धड़ा है वो मुझे नहीं लगता कि वो भी बीजेपी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ जाए। यदि कोई तीसरा कैंडिडेट खड़ा होता है तो हो सकता है उसके लिए वोट दे, पर ऐसी संभावना नहीं है। और एडीएमके के जो अच्छा खासा उनके पास वोट परसेंटेज है उसके दम पे एनडीए का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जीत सकता है। इसके अलावा बीजू जनता दल भी शायद एनडीए के साथ जा सकता है, हालांकि अभी अगले चुनाव के लिए बीजेपी वहां पे आने के लिए काफी कोशिश कर रही है और काफी कुछ सक्रिय हो गई है उड़ीसा में। हरियाणा आम आदमी पार्टी तो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ जाएगी, टीएसआर कांग्रेस शायद बीजेपी को वोट दे सकती है, तो फिलहाल देखा जाए तो अगर एनडीए जिस कैंडिडेट को डिसाइड करेगा, जिसको मैदान में उतारेगा, वो शायद जीत जाएगा। वो मतलब काफी संभावना है इसकी कि वो जीत जाएगा। अब एनडीए किस कैंडिडेट को अपना प्रेसिडेंशियल, किस व्यक्ति को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएगा। आज की तारीख में भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अब्दुल कुमार कलाम के स्टेचर के जैसे व्यक्तित्व कोई अभी ऐसा है नहीं जो सामने आ रहा है कि प्रेसिडेंट बन सके, इसलिए किसी राजनीतिक को ही प्रेसिडेंट बनेगा ऐसी संभावना है। शुरू में लाल कृष्ण अडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नामों को उछाला गया था, लेकिन अब चूंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढहाने के केस में उनपे सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की अनुमति दे दी है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं लड़ सकते या मौलिक उनको जो अधिकार है वो नहीं है, मतलब उनका अधिकार नहीं है कि वो लड़ सके, और वो बीजेपी एनडीए भी उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाएगा। तीसरा नाम सुषमा स्वराज का था और चौथा नाम था वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का। इन दोनों को नाम में पे अभी कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन दो नामों के साथ आगे बढ़ेगी। वहां इससे पहले एक और नाम जो शायद उछाला गया था वो था मोहन भागवत का, आरएसएस के जो सरसंघ चालक है उनका, लेकिन अब तक की ये आरएसएस की स्पष्ट नीति रही है कि उनका भी कोई भी
व्यक्ति जो इस ऊंचे पद पे है वो कोई सरकारी पद लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत को बीजेपी भी बोलेगी और वो भी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में एक बात है कि जो शिवसेना के वोट वो पक्के हो जाते हैं एनडीए के साथ में, क्योंकि शिवसेना एक बहुत ही ट्रिकी पार्टी है। लास्ट टाइम भी जब वो एनडीए में थी लेकिन उन्होंने वोट प्रतिभा पाटिल को दिया था, क्योंकि प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्र से थी, तो वहाँ पे वो एक मराठी खेल कार्ड अपना खेल जाते हैं और वहाँ कुछ गणित गड़बड़ा सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं गड़बड़ा पाएगा। दूसरा कैंडिडेट कुछ चला गया था शरद पवार का नाम यूपीए की तरफ से। शरद पवार ने इसे स्वीकार नहीं किया है अभी तक, उन्होंने कैटेगरिकली मना किया कि नहीं मैं प्रेसिडेंट की पद की रेस में नहीं हूँ। फिर भी हो सकता है कोई गणित बैठा के उनको मना लिया जाए और वो प्रेसिडेंट के पद के उम्मीदवार हो जाए यूपीए की तरफ से। अभी रिसेंटली एक और नाम आया जो कि मुझे काफ़ी सशक्त लगता है, वो है द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में 60 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में झारखंड राज्य की महिला झारखंड राज्य की राज्यपाल है और वो वहाँ के पहली राज्यपाल हैं। वो उड़ीसा से हैं और जनजाति से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, मतलब एक ट्राइबल महिला है और वो पहली महिला ही राज्यपाल बनी थी और उनको शायद उनकी पर्सनैलिटी भी राष्ट्रपति बनने लायक दिखती है और उनके पास अच्छा खासा 20-25 साल का राजनीतिक अनुभव भी है। हालांकि वो क्वालिफिकेशन और पर्सनैलिटी वाइज तुलना की जाए तो उनको प्रतिभा पाटिल जैसी ही लगभग कुछ लगती हैं। वो प्रतिभा पाटिल को भी राज्य में मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री रह चुकी थी और ये उड़ीसा सरकार में मंत्री रह चुकी है और हर स्तर पर इलेक्शन जीत चुकी है और राष्ट्र में शायद ये बीजेपी महिला जनजातीय मोर्चे की अध्यक्ष भी रही हैं। बीजेपी के पास उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाने का एक और कारण ही हो सकता है कि अगले कि वो विधानसभा में अपनी उड़ीसा में अपनी पैठ बनाना चाहती हैं और इनका डेफिनेटली अगर एक उड़ीसा से राष्ट्रपति बना तो बीजेपी को उसका पॉलिटिकली मतलब अगले चुनाव में काफ़ी फायदा होगा। तो ये एक कारण है जिसके कारण बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को अपना कैंडिडेट बना सकती है और वो बीजेपी और एनडीए ने जिसे अपना कैंडिडेट बना दिया वो निश्चित रूप से वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। और अगर उड़ीसा से उनको लेते हैं तो बीजेपी के पास नवीन पटनायक के बीजेडी के पूरे वोट आ जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अपनी राज्य की महिला को ऐसा चांस मौका मिला हो कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बनने का वो उसको गंवाना चाहेंगे। तो अगर मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति के लिए एनडीए अपना कैंडिडेट बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चॉइस होगी। फिलहाल उनके अलावा कोई ऐसा नाम भी उभर के नहीं आ रहा है और कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, अब जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम सर की वो अभी देश में देखने को नहीं है, तो उनको मैच करती हुई मतलब जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं जैसा उनका नाम मैंने पहले लिया उसके बराबर की उनके समकक्ष कोई पर्सनैलिटी नहीं है, तो बीजेपी शायद द्रौपदी मुर्मू के साथ जा सकती है और उन्हें जाना भी चाहिए। उनका पॉलिटिकल भी फायदा होगा और उनका एक महिलाओं के प्रति जो उनका जो सशक्तिकरण में एक ये अच्छा कदम होगा, मेरी ये राय है। और स्थिति क्या है आपके बारे में कुछ और जानकारी हो तो मेरे कमेंट्स करके मुझे बताइए और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।